नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये देखा कि अगर कोई डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा होता है तो कैसे उस पर लगने वाला फोर्स जीरो होता है बट टॉर्क आता है। इसी तरीके से अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई डायपोल पड़ा है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, इस बात को भी हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। कैसे होगी, कितनी होगी, उसका कोई यूज है तो वो भी देख लेते हैं। तो बेटा चलिए छोटा सा काम करते हैं, वही सिचुएशन कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, ये अपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, लेट्स बेटा इट इज ई। इसके अंदर एक डायपोल पड़ा है बेटा, ऐसे डायपोल का डायपोल मोमेंट पी है। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट। सो यू कुड से कि सर थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायपोल को बड़ा ऐसे लिख सकते हो कि इस डायपोल को हटाओ और यहां पर बड़ा रख दो एक बार के लिए प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर रख दो एक बार के लिए माइनस क्यू चार्ज, और माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच का जो सेपरेशन है उसे एक बार के लिए एल लिख दो। सो ऑफकोर्स बड़ा हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि जहां पर क्यू इंटू एल लिखा हुआ है वहां पर हम पी लिख सकते हैं। बड़ा क्या लिख सकते हैं, पी। चलिए बेटा मैंने यहां पर बड़ा एक लाइन खींच दी ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैं आपको इतना सिखा चुका हूं कि इस लाइन के हर पॉइंट पर बड़ा पोटेंशियल सेम रहेगा। मैं सिखा चुका हूं कि दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, बड़ा इस लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। लेट से बड़ा पोटेंशियल रहेगा V1। इसी तरह से बेटा जहां पर ही माइनस क्यू रखा है वहां पर मैंने एक लाइन खींच दी बेटा ऐसे, और ये लाइन भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर खींच दी। और यहां पर मैंने पोटेंशियल मान लिया V2, यहां पर हर जगह पोटेंशियल V2, यहां पर हर जगह पोटेंशियल V1। ऑफकोर्स V2 इज मोर देन V1 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है बड़ा d, इसको आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अगर ये l है तो बड़ा ये लेंथ आएगी l cos theta। चलिए बेटा ये सब बातें काम आएंगी, ठीक। मुझे निकालना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच जो इंट्रैक्शन है, उस इंट्रैक्शन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज इसका चार्ज प्लस क्यू मल्टीप्लाइड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर पोटेंशियल। बेटा यहां पर पोटेंशियल जैसा आप देख पा रहे हो कि बेटा वी वन है, प्लस इसका चार्ज माइनस क्यू मल्टीप्लाइड विथ यहां पर कितना पोटेंशियल है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पर पोटेंशियल है वी टू। एक काम कीजिए, माइनस क्यू को कॉमन ले लीजिए बेटा, ब्रैकेट में आ गया वी टू माइनस वी वन। माइनस क्यू तो बड़ा ठीक है, V2 टू माइनस वी वन को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि यहां का पोटेंशियल V2, यहां का पोटेंशियल V1, V2 इज मोर देन V1 एंड V2 टू माइनस वी वन इज ऑफकोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो E मल्टीप्लाई विथ डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग यहां से तक डिस्प्लेसमेंट कितना है तो आपको सर L cos थीटा है। ले बेटा L cos थीटा, इस Q इंटू एल को बेटा हम पहले से पहचानते हैं, एंड आई थिंक बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कम्स आउट टू बी बेटा Q इंटू एल कैन बी रिटन एज पी। सो द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी माइनस पी ई कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यू मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। बट जिस तरह से टॉर्क का आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया पी ई साइन थीटा, बेटा वैसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखोगे माइनस पी ई कॉस थीटा। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ पी डॉट ई, बट इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस पी डॉट ए। सिंपल चलेगा बेटा इस तरह से। एक बात और बेटा, मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगा, तो आप बोलो सर मिनिमम तब होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि बाहर साइन माइनस है।
कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आप लोग जानते हो कि कितनी हो सकती है, वन। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बेटा तब वन होगी जब बेटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। थीटा इक्वल्स टू जीरो बेटा याद है ना कौन सा था, थीटा इक्वल टू जीरो तब था जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और डायपोल मोमेंट भी इस तरफ है, दैट वॉज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन। इन दैट केस योर इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज लाइक दिस एंड योर डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो प्लेस्ड लाइक दिस एंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट इज जीरो एंड इन दिस केस बेटा पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी, बेटा रखना कॉस थीटा की बेटा वैल्यू वन रखी तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रहा है और वो आ रहा है माइनस पी। मैकेनिक्स में ये वाली बात बेटा आपको प्रूव कर चुके हम कभी ना कभी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहां होगी जहां पर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन होगा। तो क्या सचमुच बेटा थीटा इक्वल्स टू जीरो पर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन है क्या आपको, हाँ सर ऑफकोर्स। तो जहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है बेटा वहां पर आप अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिस्ट होती है और यहां पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिस्ट आ भी रही है, बढ़िया बात है। मुझे ना बेटा इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चाहिए वो भी मैक्सिमम, इसे मैक्सिमम करने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू लिस्ट कर दो क्योंकि बाहर माइनस लगा ना, इसे कॉस थीटा की बेटा वैल्यू लिस्ट आप लोग जानते हो बेटा कितनी आएगी, माइनस वन। और कब आएगी तो आप बोलो सर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगी। 180 डिग्री थीटा है, इस बात का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे पड़ा है तो डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नहीं बड़ा, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। और ऐसे केस में आपसे पूछूं कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और उसकी वैल्यू होगी बेटा कॉस थीटा को माइनस वन रखना, फॉर्मूले में रखा तो माइनस पी इंटू माइनस वन, ऑफकोर्स द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड दैट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज पी ई। बेटा याद करो जहां कहीं पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती थी वो भी इक्विलिब्रियम पोजिशन ही हुआ करती थी लेकिन स्टेबल नहीं, अनस्टेबल। तो आप कह सकते हो कि हाँ सर ये हमारा एक तरह से थीटा इक्वल्स टू 180 जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन है और थीटा इक्वल्स टू जीरो जो है बेटा ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन है। ये स्टेबल अनस्टेबल बेटा ये वाली बात हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, आई थिंक टॉर्क वगैरह से प्रूव कर चुके बेटा, पोटेंशियल एनर्जी वाली तरीके से हमने अब देख ही लिया। सो द फॉर्मुला विच यू मस्ट रिमेंबर इज बेटा द फॉर्मुला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज बेटा योर माइनस पी ई कॉस थीटा, बेटा दैट इज माइनस पी ई कॉस थीटा। चलिए बेटा आगे चलते हैं इस बात पे, बेटा एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं बेटा, सवाल में ऐसे ही हल्की फुल्की छोटी मोटी चिन्नी मिन्नी सी बातें, सुनिए बेटा फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही पूछ रहा हूँ, कोई बेटा ऐसे अलग से काम नहीं है। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर रखा है माइनस पी ई कॉस थीटा तो दैट इज मोर देन एनफ बेटा, इससे हमारा सारा का सारा काम चल जाएगा। चलिए बेटा दो छोटे मोटे काम करवाने बेटा अभी कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा अपन पोटेंशियल एनर्जी और थीटा के बीच का कर्व बनाते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और थीटा, थीटा मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल है ना, इनके बीच में कर्व बनाते हैं। तो आप कहोगे सर फॉर्मूला तो बहुत ही क्लियर सा है कि यू इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा वेरी करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगा, ये पी तो बेटा कांस्टेंट है तो मेरे ख्याल से बेटा ग्राफ ऐसा बनेगा जैसे माइनस कॉस थीटा का बनता है, प्लस कॉस थीटा ऊपर से आएगा तो माइनस कॉस थीटा नीचे से आएगा। सो यू कुड से कि सर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस थीटा बेटा इनके बीच जो ग्राफ आएगा बेटा इट विल बी समथिंग लाइक द ग्राफ ऑफ कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा। ये बेटा आपका थीटा इक्वल्स टू जीरो है, थीटा इक्वल्स टू जीरो पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड दैट इज माइनस पी ई। ये बेटा आपका थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू है बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, बेटा ये आपका थीटा इक्वल्स टू पाई है, थीटा इक्वल्स टू पाई पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड दैट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज प्लस पी। बेटा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होगा बेटा दिस इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा दैट इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो दिस थीटा इक्वल्स टू जीरो इज योर, यू नो इट वेरी वेल कि दिस इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, दिस थीटा इक्वल्स टू पाई या थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री बेटा दिस इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है ना, बढ़िया काम है, कोई बहुत टफ काम तो रहता नहीं। चलो नेक्स्ट बड़ा एक सवाल कीजिए, छोटा सा सवाल है। आपके पास बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे,
यूनिफॉर्म बेटा, आपके पास कोई डायपोल है बेटा ऐसे, उसका डायपोल मोमेंट है पी और ये वाला एंगल बेटा आपके पास है 60 डिग्री, मतलब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है 60 डिग्री। मुझे है ना इस डायपोल को बेटा यू घुमाना है, 60 डिग्री और घुमाना है, 60 डिग्री और घुमाना है, मतलब आपका डायपोल शुरुआत में ऐसे था, दिस वॉज इनिशियली बेटा, दिस वन इज फाइनली। ऑफ कोर्स बेटा इधर से इधर अपने आप नहीं आएगा, इधर से इधर तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि टॉर्क बेटा पूरे रास्ते ऐसे लग रहा है, इधर से इधर लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कोई ना कोई वर्डन करना पड़ेगा। मैं बेटा ये पूछ रहा हूं कि इनिशियली यहां से यहां तक आने के लिए फाइंड, बेटा पूरी लैंग्वेज नहीं लिखू ना, व्हाट इज वर्डन रिक्वायर्ड टू रोटेट दिस डायपोल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, वर्क डन बाई हुम बेटा, फाइंड वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट एंड एज वेल एज बेटा वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते बेटा इस बात को, स्लोली मूव कराओगे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ अंत बेटा किसका आएगा, -1 का आएगा। तो आप कह सकते हो कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज बेटा, व्हाट्स द फॉर्मूला, आई थिंक बेटा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज ऑफ कोर्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल बेटा व्हाट इज यू फाइनल, आपको अगर सर यू फाइनल इज माइनस पीई इंटू कॉस ऑफ बेटा फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, तो आप बोलो सर फाइनल एंगल 120 है तो 120 डिग्री, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बेटा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पीई कॉस, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, यू कुड से कि सर दैट इज 60 डिग्री। बेटा आ गया अपना आंसर, तो यार माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, कॉस 60 इज हाफ, कॉस 120 इज माइनस हाफ, माइनस माइनस बेटा प्लस, आई थिंक बेटा द आंसर कम्स आउट टू बी पी, दिस इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। बट मैंने आपसे पूछ रखा है बेटा व्हाट इज वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू कुड से कि सर वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कोर्स यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, बेटा सोल्व तो आप कर ही लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा वर्क डन आएगा माइनस पी। तो इस डायपोल को बेटा यहां से यहां धीरे धीरे मूव कराने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आएगा पीई, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन आएगा माइनस पी। इतना सा बेटा सवाल अपना, आगे चलिए बेटा एक छोटी सी बात, एक छोटा सा सवाल और पूछ लेते हैं बेटा। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है बेटा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बेटा कोई डायपोल है, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट P है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा I है, गिवन है बेटा सेंटर ऑफ मास के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और शुरुआत में बेटा ये जो एंगल है ना ये 120 डिग्री है और डायपोल को मैंने यहां से रिलीज किया है। अब आप इस बात को हल्का फुल्का जानते हैं कि रिलीज करते ही इस पर टॉर्क लगेगा ऐसे, वो लगातार बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा, यहां पर आने के बाद रुकेगा नहीं बेटा, यहां पर भले ही टॉर्क जीरो हो गया होगा लेकिन ओमेगा तो अच्छा खासा आएगा, फिर ये यूं जाएगा, जैसे डायपोल यूं जाएगा टॉर्क तो ऐसे लगेगा, अब लगातार ओमेगा घटेगा घटेगा घटेगा। आप इस बात को बड़ा इमेजिन कर सकते हो कि अगर 120 डिग्री से अगर छोड़ा गया तो यहां से 120 डिग्री पर जाकर बड़ा इसका ओमेगा वापस से जीरो हो जाएगा और एक बार के लिए रेस्ट पे आ जाएगा मोमेंटरली, इसका ये अर्थ नहीं कि हमेशा ही रहेगा, टॉर्क इधर लग रहा है तो अब लगातार वापस से ओमेगा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, इस टाइम पर बड़ा काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम बिकॉज योर पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट, बड़ा फिर वापस से यू आएगा 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 आएगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन नॉट SHM। सर SHM क्यों नहीं है बेटा, SHM सिर्फ तब था जब एंगल थीटा छोटा था, अब थोड़ा एंगल 120 बहुत बड़ा है बेटा, ये SHM तो नहीं करेगा लेकिन ये पक्का है कि बेटा ये ऑसिलेटरी मोशन तो करेगा, हम टाइम पीरियड तो नहीं निकाल सकते, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बेटा फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉरी बेटा फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम ओमेगा ऑफ दिस डायपोल, इस डायपोल की बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम
ओमेगा निकालनी बेटा अपन लोगों को, मैक्सिमम ही तो काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम ही ओमेगा निकाल निकाल लेंगे यार। सबसे पहली बात बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी? बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वहाँ होगी जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी। भाई आपने तो छोड़ दिया इसको, अगर छोड़ दिया तो कोई एक्सटर्नल एजेंट तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स है, हम बड़े आराम से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बेटा मैक्सिमम वहाँ पर होगी या फिर ओमेगा वहाँ पर मैक्सिमम होगा जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा लीस्ट कहाँ पर होगी? आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट जो होगी वो थीटा इक्वल्स टू जीरो पर होगी जब डायपोल यहाँ से गुजर रहा होगा। इस टाइम पर ऑफ कोर्स आपका ओमेगा भी सबसे ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा है। तो इस टाइम पर ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, इस बात को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ऐसे कि इस इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसलिए है, ओमेगा मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट है। एक दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से यहाँ तक के मोशन में टॉर्क लग रहा है ऐसे, ये टॉर्क लगातार ओमेगा बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा मैक्सिमम। जस्ट इसके आगे गया तो ओमेगा होगा ऐसे और टॉर्क होगा ऐसे, वो टॉर्क लगातार ओमेगा घटाएगा घटाएगा घटाएगा, तो पहले आपका ओमेगा बढ़ा फिर घटा, तो यहाँ पर ओमेगा ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा है। ये बेटा मुझे ओमेगा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बड़े आराम से कर लेंगे। दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। हम लिखना जानते हैं इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। बेटा व्हाट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? आपको उसे रिलीज्ड। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? माइनस पी ई कॉस थीटा। बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन दैम? तो मुझे 120। दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो तो मुझे निकालनी है, दैट इज के मैक्स माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी ई कॉस जीरो। बड़ा यहाँ पर P और E के बीच में एंगल आ गया आपके पास जीरो। इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बड़ा वैल्यू आ गई है, बड़ा कितनी आ गई है? पी ई तो इधर आ गया बड़ा, माइनस पी ई कॉस 120। कॉस 120 के लिए बड़ा माइनस हाफ, माइनस माइनस बड़ा कितना हो गया? प्लस। द आंसर कम्स आउट टू बी 3 PE/2। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और बड़ा इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को बड़ा मुझे ओमेगा भी निकालना है। आप लिख सकते हो कि दिस इज बेसिकली हाफ I इंटू ओमेगा मैक्सिमम का स्क्वायर, और इससे बड़ा मेरे पास ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू भी आ गई है। ओमेगा मैक्सिमम के बेटा 2 से 2 कैंसिल और हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि इट कैन बी रिटन एज 3 PE अपॉन I का रूट। बट दैट इज 3 PE अपॉन I का रूट, बट दिस इज ओमेगाज मैक्सिमम वैल्यू। तो बड़ा इस तरह से बड़े आराम से बड़ा हम सारे के सारे काम निपटा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क बड़ा ये है नहीं। कई बार बड़ा ऐसा भी हो सकता है कि ना हमें इस डायपोल का आई ना दिया हो, तो कोई बात नहीं बड़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे कि भाई एक चार्ज यहाँ है एक चार्ज यहाँ, उनका मास दे दिया, वो दोनों रॉड से जुड़े हुए हैं उसका मास दे दिया, या फिर बेटा रॉड को मासलेस बोल दिया, जो भी दे रखा होगा उसका आई निकालना हमारे लिए बहुत टफ टास्क थोड़ी बेटा। तो आई अगर दे रखा होगा तो ठीक है, जो दे रखा होगा वो यूज़ कर लेंगे। अगर आई नहीं दे रखा होगा तो हमें बता रखा होगा कि बेटा एक चार्ज ये है एक चार्ज ये है, इसका मास ये है इसका मास ये है, बीच में रॉड है उसका मास है या नहीं है, उसकी लेंथ क्या है, वगैरह वगैरह सारी बात दे रखी होंगी। तो हम आई अगर नहीं भी दे रखा होगा तो हम आई तो निकालना जानते हैं, तो ठीक है। कई बेटा अगर इस तरह का सवाल पूछे हम बड़े आराम से बेटा पूरा काम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई कहे कि इसका हम टाइम पीरियड निकाल सकते क्या? नहीं बेटा, हम तो सिर्फ और सिर्फ जितनी मैथमेटिक्स जानते हैं उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। हर ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड हम लोग निकाल पाएं, इतनी अच्छी मैथमेटिक्स फिलहाल हमारी नहीं है। हाँ कॉलेज वगैरह पहुंच जाएंगे बट ऑफ कोर्स वहाँ पर हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस और तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे वहाँ पर, बड़ा ठीक है ना। हम हो सकता है कि उसके बाद मैथ्स इतनी आ जाए कि हम इनके टाइम पीरियड भी निकाल लें, फिलहाल हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, चलेगा, आगे चलिए। नेक्स्ट इज, हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा है तो उसके साथ क्या होगा। अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल पड़ा है तो क्या होगा, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है बेटा, इस पर आप है ना सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ कभी IIT एडवांस में इस तरह कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए, तो मेंस में पूछ सकते हैं बट ठीक है बेटा, है ना, इस पर सवाल बेटा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट इज
फोर्स ऑन डायपोल प्लेस्ड अलोंग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है और उसके अलोंग अगर बड़ा कोई डायपोल पड़ा है तो बड़ा उस पर फोर्सेस वगैरह कैसे लिखेंगे देखते हैं, है ना. तो चलिए बड़ा सुनिए. मान लीजिए बड़ा कि ये एक्स एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ा. इस बार वो कांस्टेंट नहीं है बड़ा, मतलब कांस्टेंट नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह सेम नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है. बड़ा मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ा मान लीजिए ई. थोड़ा सा एक्स चेंज हुआ, लेट्स बेटा नया एक्स आ गया, एक्स प्लस डी एक्स. यहां से यहां तक के डिस्टेंस बेटा मेरे पास है डी एक्स. हल्का सा अगर एक्स चेंज हुआ तो हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि बेटा हेडिंग ही क्या लगा रखी है अपन ने, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो थोड़े से एक्स के चेंज के लिए थोड़ा सा ई का चेंज आया, तो नई वाली पोजिशन पर बेटा मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस डी ई. बेटा डी का अर्थ समझ गया ना, कि ये स्मॉल चेंज इन एक्स डी एक्स पर स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहां पर बेटा एक डायपोल पड़ा है, ऐसे डायपोल पड़ा है बेटा यू, ऐसे डायपोल पड़ा है. डायपोल पड़ा है इस बात का अर्थ यह है कि यहां पर चार्ज पड़ा है माइनस क्यू, यहां पर चार्ज पड़ा है प्लस क्यू, और माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का सेपरेशन है डी एक्स. और मुझे निकालना है कि इस डायपोल पर कितना फोर्स है. वेरी सिंपल, इस माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पीछे की तरफ, बड़ा कितना आएगा क्यू इंटू ई. इसी तरह से बड़ा यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्यू इंटू ई प्लस डी. इतना फोर्स आगे इतना फोर्स पीछे, तो बड़ा सामने की तरफ बड़ा नेट फोर्स कितना आ गया दिस माइनस दिस. तो आपके पास बड़ा फोर्स की वैल्यू आ गई है क्यू इंटू ई प्लस डी ई माइनस क्यू इंटू ई, बड़ा क्यू इंटू ई बड़ा कैंसिल, बड़ा दैट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, बड़ा ये फोर्स आ गया, बड़ा हमारे पास ये फोर्स आ गया. अच्छा फोर्स है, बट बड़ा मैं इसको और बड़ा से लिख सकता हूँ. आई कैन राइट डाउन लाइक दिस क्यू इंटू डी एक्स इंटू मेरे बच्चे डी ई बाई डी एक्स. बड़ा उन्हें डी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. आप इस q इंटू डी एक्स बड़ा पहचानते हो, पहचानते हो ना, ये वाला बड़ा q चार्ज, ये वाला q चार्ज, मतलब q और माइनस q और सेपरेशन है dx. एक्स आई कुड राइट डाउन चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, इट मस्ट बी द डायपोल मोमेंट. सो आप कह सकते हो कि हाँ सर एक फॉर्मूला आ गया एंड द फॉर्मूला इज मोर और लेस लाइक दिस, दैट इज p इंटू डी ई बाई डी एक्स. तो अगर आप बड़ा फॉर्मूला ही याद रखने के मूड में हो तो मैं ऐसा कहूँगा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें डायपोल पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हो एंड द फॉर्मूला इज मोर और लेस लाइक पी इंटू डी ई बाई डी एक्स. ये फॉर्मूला है, चाहो तो बड़ा याद कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो बड़ा याद कर सकते हो. अब अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, बड़ा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बड़ा, वो तो फिर एक्स के साथ वेरी नहीं करेगी, तो उसका डी ई बाई डी एक्स क्या आएगा? तो आप बोला उसका डी बाई डी एक्स तो जीरो आएगा, जीरो पुट कर देंगे तो फोर्स कितना आएगा? जीरो. तो क्या सचमुच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स जीरो होता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स जीरो होता है कि नहीं बेटा? चलिए एक सवाल, अब बेटा सवाल करते हैं, फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. अच्छा बेटा एक बार हो, ये तो बेटा मैंने क्या कर दिया कि ना पोजिशन एक्स के टर्म में लिख दी, मान लो बेटा पोजिशन आर के टर्म्स में लिखी हो तो फोर्स बोल देना कि सर फोर्स इज पी इंटू डी ई बाई डी आर. अरे भाई बड़ा डिस्टेंसेज अगर x में लिखी हो तो p इंटू डी बाई डी एक्स, बट अगर पोजिशन r के टर्म में लिखे हो तो p इंटू डी बाई डी आर, ऐसे कर दो. तो हम एक सवाल करके देखते हैं बड़ा, जिसमें हम सारा ही पूरा ही पोस्टमार्टम करेंगे, है ना. अपन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सवाल के आंसर के पीछे पड़ेंगे बड़ा, अपन आंसर के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ेंगे. आंसर निकालना तो बहुत आसान होगा, मैं तो बड़ा सारी चीज़ समझाने के चक्कर में सवाल बता रहा हूँ, तो मैं सवाल को ना उसके औकात से ज़्यादा का समय दे रहा हूँ, ठीक है. जितना वो सवाल की औकात है बेटा उससे ज़्यादा समय अपने सवाल को देंगे, ठीक है. सुनिएगा,
आपके पास बड़ा सवाल है इस तरह से, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, और इस प्लस क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस दूर ऐसे एक डायपोल पड़ा बेटा जिसका डायपोल मोमेंट है पी। क्यू चार्ज और डायपोल के बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो एक्स है। सर ये सेपरेशन एक्स है कहां से बेटा? वैसे तो डायपोल की साइज इतनी छोटी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ना एक्स यहां से है यहां से, लेकिन फिर भी आप बेटा उसको मिड पॉइंट से मान लिया करो, मिड पॉइंट से मान लिया। हालांकि बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेटा ठीक है वो डायपोल की साइज इतनी कम है। ठीक, फाइंड, बड़ा सवाल लिखे, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल। बड़ा सवाल है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल। अभी करते हैं बेटा, आराम से करते हैं, अपन से सब हो जाएंगे। मैं इस सवाल को तीन तरीके से कर रहा हूं। पहला ये कि मेरा बच्चा कहेगा कि देखो सर ये डायपोल पड़ा है, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो नहीं होती, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फाइनाइट शीट की होती थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी के अंदर होती थी। यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो फोर्स जीरो बोल देता। आज तो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नहीं तो फोर्स तो जीरो नहीं आएगा, कुछ और आएगा। सर कैसे निकालूं? तो मेरे बच्चे कहेंगे सर इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, डायपोल मोमेंट भी पड़ा है ऐसे, तो सर आपने जो फॉर्मूला निकाला था वो बिल्कुल वैलिड है बिकॉज डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सर फॉर्मूला लगा दो, अपना तो आंसर आ जाना चाहिए। हाँ बेटा आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए, तो लगा देंगे बेटा। व्हाट्स द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज इसका तो डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाई डी ई बाई डी एक्स। ये ई किसकी वजह से? ई ऑफ कोर्स इस क्यू चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायपोल मोमेंट, सिंपल। तो आप कहोगे सर दैट इज पी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ। बेटा जरा बताना क्यू चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन लोगों ने याद कर रखा है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर रखा है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा पी तो बाहर है, के क्यू भी बाहर निकाल लो। बेटा डी एक्स सर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस टू, इसका डिफरेंशन होगा बेटा माइनस टू अपॉन एक्स की पावर थ्री। फिर ना बेटा डिफरेंशियल तो आसान है, एक्स की पावर माइनस टू का डिफरेंशियल बेटा माइनस टू आ गया, नीचे एक पावर घटा दी, बेटा ये आंसर आ गया, दैट इज माइनस टू टाइम्स के पी क्यू अपॉन एक्स रेज टू पावर थ्री। बेटा दिस इज द फोर्स बिटवीन डायपोल एंड पॉइंट चार्ज। ये माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि जिस तरफ आपका एक्स वेक्टर है फोर्स जो है बेटा उसके अपोजिट है, ठीक है? तो ये माइनस बेटा सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि बेटा जो फोर्स है वो एट्रैक्टिव है, इसका और कोई बड़ा मीनिंग नहीं है। अगर कोई हमें ये पूछ ले कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है तो सिर्फ और सिर्फ 2kpq अपॉन x रेज टू पावर 3 लिख देना, इतना काफी चल जाएगा। अब कोई बच्चा कहते कि सर ठीक है आपने सिर्फ फॉर्मूला निकाल रखा था, यूज कर लिया, सर आंसर आ गया, अच्छी बात है। लेकिन कोई बच्चा कहते कि सर बिना फॉर्मूले के हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लॉजिक से हो सकता है। लॉजिक सुनना, मैंने सवाल में जानबूझ के पूछा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल। ले मेरा कोई समझदार बच्चा हो सकता है कि ये सोचे कि सर आप ना जानबूझ के लैंग्वेज में थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, जानबूझ के कह रहे हो कि फाइंड फोर्स ऑन डायपोल। सर इसके बजाय एक काम करता हूँ, डायपोल ने पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाया वो निकाल लेता हूँ, और डायपोल ने जितना फोर्स लगाया होगा पॉइंट चार्ज ने भी डायपोल पर उतना लगाया होगा, भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो मैंने जानबूझ के लैंग्वेज ऐसे लिखी कि फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल। अगर मैं ऐसा लिखता कि फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन डायपोल एंड पॉइंट चार्ज तो मेरे बच्चे सोचते ही ऐसे कि किस पर निकालना आसान है, और हमेशा उनको लगता है कि यार पॉइंट चार्ज पर निकालना आसान है, डायपोल पर निकालना मुश्किल है कि नहीं? तो मैंने जानबूझ के लैंग्वेज ऐसे बनाया कि फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल। अब बच्चे को एक स्टेप और सोचना पड़ता है कि जितना फोर्स डायपोल पे उतना ही फोर्स तो पॉइंट चार्ज पे। तो पॉइंट चार्ज पर अगर फोर्स निकालना है वेरी इजी, पॉइंट चार्ज पर अगर फोर्स निकालना है तो बेटा पॉइंट चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई पॉइंट चार्ज पर तो फोर्स का फॉर्मूला ही होता है ना यार, डायपोल पर तो मान ला कि पी इंटू डी बाई डी एक्स होता है, तो आज आज पढ़ा है हम पहले से, क्या पढ़ते हैं ना भाई किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो ये वाला क्यू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? डायपोल की वजह से। अब हमने जो डायपोल रखा हुआ है वो बेटा ऐसे रखा हुआ है, ये डायपोल ऐसे पड़ा है और डायपोल की एक्सिस पर क्यू चार्ज पड़ा है। पता नहीं बेटा आपको याद है या नहीं है,
एक्सिस पर डायपोल अगर पड़ा है, सॉरी बेटा, डायपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डायपोल मोमेंट की तरफ ही होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था, अगर आपको याद हो तो 2kp अपॉन डिस्टेंस की पावर 3, ये फॉर्मूला आया था। और पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला मेरे बच्चों को पता है कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 2kp अपॉन एक्स रेज टू पावर 3। और जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो उसी तरफ उस पर फोर्स है, तो बड़ा ये वाला फोर्स इस तरफ आ गया, जो फोर्स इस पर राइट में बड़ा वही फोर्स इस पर लेफ्ट में, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स आ गया। ये तो और आसान हो गया, ये तो बड़ा और आसान हो गया। डायपोल पर निकालना मुश्किल था, लेकिन डायपोल के कारण पॉइंट चार्ज पर निकालना ऑफकोर्स आसान रहेगा। डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती है, बड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा अपना आंसर? बिल्कुल आएगा। एक और तरीका, चलिए बेटा एक तरीका और लगाते हैं। कोई बच्चा कह देगा सर ठीक है, आपका सेकंड वाला तरीका तो सर और भी बढ़िया था और उससे सोचना समझना तो और आसान हो गया, लेकिन कोई बच्चा कह देगा सर मैं तो डायपोल पर ही फोर्स निकालूंगा, सर मैं तो नहीं निकाल रहा पॉइंट चार्ज पे, पॉइंट चार्ज पे निकालना तो बहुत आसान है, मैं आसान काम करता ही नहीं हूं, मैं तो खतरों से खेलता हूं, सर मैं तो पॉइंट चार्ज के कारण ऊपर फोर्स ना निकालकर डायपोल पर ही निकालूंगा, और सर फॉर्मूला भी मेरे को याद नहीं है, डायपोल पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला भी मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं निकालूंगा डायपोल पर। किसी ने जिद कर ली बच्चे ने, तो बेटा मुझसे एक कहूंगा बेसिक से कर, फिर क्या चारा बचता है बेटा, बेसिक से कर। तो आप कह सकते हो कि अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो इस डायपोल को हटाओ, बल्कि बेटा यहां पर तो रख दो एक प्लस क्यू चार्ज और यहां पर रख दो बेटा एक माइनस क्यू चार्ज, ठीक है ना। इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में बेटा सेपरेशन रख लो 2a, क्या रख लो बेटा 2a, बेटा 2a रख लो, a रख लो, l रख लो, एक ही बात है। जहां कहीं q इंटू 2a लिखा हुआ दिखाई दे बेटा, वहां पर हम आखिर में p पटक देंगे, आखिर में बिल्कुल लास्ट में। इस q चार्ज और इस माइनस q चार्ज के बीच में कितना फोर्स है वो लिखना बहुत आसान है। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स F1 से, ये वाला प्लस q चार्ज इस प्लस q चार्ज को रेपेल करेगा किसने, किसी फोर्स F2 से। मैंने ये वाला फोर्स बड़ा वेक्टर बड़ा दिखाया, ये छोटा दिखाया, कारण आप बेटा समझते हो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों चार्ज नज़दीक हैं तो बड़ा ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला दोनों चार्ज बड़ा दूर है तो ये वाला फोर्स छोटा है। तो एक फोर्स F1 इस तरफ, एक फोर्स F2 इस तरफ, तो आखिर नेट फोर्स कितना आ गया? आप बोलोगे सर नेट फोर्स आ गया F1 माइनस F2, बड़ा लिखा F1, इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू चार्ज के बीच में कितना फोर्स है? KQQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी बेटा? ये एक्स है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस हो गई है x माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस इस q चार्ज और इस q चार्ज के बीच में कितना सेपरेशन है, तो कितना फोर्स है, दैट इज KQQ अपॉन बेटा जी, अरे कितना लिख दूं यार, x प्लस a का होल स्क्वायर, चलेगा बेटा? करना इसको सॉल्व, मेरे पास बेटा KQQ का रायता तो कॉमन आ गया, और अंदर बेटा मेरे ख्याल से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, 2ax माइनस माइनस 2ax, बेटा 4ax आ गया। बेटा जहां पर तेरे को ये क्यू इंटू 4a लिखा हुआ दिखाई दिया ना बेटा, वहां पर तो बड़े आराम से p लिख सकते हैं, तो बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और फोर्स की वैल्यू आ गई बेटा, बताना कितनी वैल्यू आ गई बेटा, सॉरी क्यू इंटू 2a को मैं 2p लिख सकता हूँ, बेटा मेरे पास आ गया 2kpqx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यार आंसर ऑफकोर्स हम इस तरह से छोड़ नहीं सकते यार, आप भी जानते हैं बेटा ये तो अपन ने माना है यार, ए एक्चुअल में थोड़ी है बेटा, दे दिया हुआ थोड़ी है, दिए हुए बड़ा सवाल में ये पी क्यू ये एक्स ये दिए हुए, ये बड़ा ए नहीं आना चाहिए, ए कहाँ से हटेगा आप लोग जानते हो, ए हटेगा डायपोल की डेफिनेशन से। डायपोल की डेफिनेशन कहती है कि ए इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एक्स, वैसे कहती है कि 2a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एक्स, इफ 2a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एक्स, ए इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एक्स, तो बड़ा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मेरे वाला क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या जाएगा एक्स रेस टू पावर 4, एक एक्स बड़ा कैंसिल हो जाएगा एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 2kpq अपॉन एक्स रेस टू पावर 3। ले बेटा
यही अपनी एक्सपेक्टेशन थी, इस तरफ बेटा आपका फोर्स आगे आएगी। बेसिक से करोगे तो बेटा हमेशा ही आंसर आएगा, कभी भी फंस जाओ तो बेसिक से कर लो। अगर आपको लगता हो कि सर फॉर्मूला वैलिड है नहीं है, ये है वो है, आपके दिमाग में कोई भी शंका आ गई कि सर मैं तो नहीं समझ पा रहा, कोई बात नहीं बेटा बेसिक से कर ले, हल्की सी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, और ये बेटा कोई बहुत हाई फाई मैथमेटिक्स थोड़ी है, इतना तो मेरे बच्चे करेंगे ना, है कि नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और करते हैं बेटा जी, एक सवाल और करते हैं। सवाल बेटा ऐसे कोई बहुत कमाल तो है नहीं, सिंपल सिंपल से ही सवाल है, सुनिएगा। ये मेरे पास बेटा एक पॉइंट क्यू चार्ज है, और ये बड़ा एक डायपोल है, और बड़ा ये वाला एंगल आपके पास 90 है, ये बड़ा एंगल 90। डायपोल का डायपोल मोमेंट जो बड़ा वो पी है, ठीक है। क्यू चार्ज और डायपोल मोमेंट के बीच की जो डिस्टेंस है बड़ा मेरे पास वो एक्स है, बड़ा मेरे पास एक्स है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन क्यू एंड पी, बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड डायपोल, निकाल लेंगे बेटा आराम से निकाल लेंगे। सोचते हैं बेटा, पहला तो कि बेटा मुझे डायपोल पर फोर्स निकालना है, मान लो कोई कहते डायपोल पर फोर्स निकालो, हालांकि जितना फोर्स डायपोल पे उतना ही पॉइंट चार्ज पे, और पॉइंट चार्ज पे सोचना आसान है, बट चलो बेटा एक बार डायपोल पे सोचते हैं। डायपोल पर क्यू चार्ज की वजह से मुझे फोर्स निकालना है, क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वाला फॉर्मूला बेटा इस बार काम देगा नहीं, वो शायद आपने सोच भी लिया होगा, क्योंकि इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगी और डायपोल बेटा पड़ा ऐसे, और हमने जो फॉर्मूला निकाला था डेरिवेशन याद करो बेटा, उसमें अपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे मानी थी और डायपोल भी ऐसे पड़ा था, बल्कि हेडिंग भी अपन ने ऐसे लिखी थी कि डायपोल प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं यार। तो बेटा वो हमारा जो फॉर्मूला था ना पी इंटू डी बाई डी एक्स, बहुत मेहनत से अपन ने निकाला, लेकिन वो यहाँ पर काम दे नहीं रहा, क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा ऐसे है ऐसे है, डायपोल बड़ा पड़ा है ऐसे, डायपोल इज नॉट प्लेस्ड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सो अवर फॉर्मूला विल नॉट वर्क, फॉर्मूला विल नॉट वर्क, बट ऑफकोर्स लॉजिक्स विल वर्क, लॉजिक्स तो बड़ा कोने का रास्ता निकाल लेंगे। तो बड़ा पहला तरीका मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है कि यार इस डायपोल को हटाते हैं, यार डायपोल को हटाते हैं, यहाँ पर एक बार के लिए प्लस स्मॉल क्यू रखते हैं, यहाँ पर एक माइनस स्मॉल क्यू रखते हैं, और दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन रख देंगे 2a, जिसमें से बड़ा ये वाला a, वो तो ऑब्वियस है, जहां कहीं आखिर में बड़ा q इंटू 2a लिखा हुआ दिखाई देगा बेटा मैं वापस से p पटक दूंगा, जो मैं सवाल में गिवन है। फोर्सेस देखते हैं बेटा, ये वाला q चार्ज इस माइनस q चार्ज को ऐसे अपनी तरफ खींचेगा किसी न किसी फोर्स F से, जिस फोर्स से खींचेगा उस फोर्स को बड़ा जानते हैं, दैट इज के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस इज x, दिस इज a, तो दिस इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बड़ा दैट कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फेयर एनफ। लेट्स से बड़ा दिस एंगल इज थीटा, बड़ा दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट, ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को रेपेल करेगा अगेन विद द सेम फोर्स एफ, बट वापस से लिखने की जरूरत नहीं, जितना चार्ज ये बस फोर्स तो सेम ही आएगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, वी नो दैट कि बड़ा दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी थीटा, फेयर एनफ। अब हम देख सकते हैं कि बड़ा हमारा जो डायपोल था उसमें इस प्लस क्यू चार्ज पर सामने की तरफ लग रहा है f cos थीटा, इधर की तरफ लग रहा है f sin थीटा, इसी तरह से इस माइनस q चार्ज पर इधर की तरफ लग रहा है f cos थीटा, इधर की तरफ लग रहा है f sin थीटा,
मुझे नेट फोर्स निकालना है। नजर आ गया तो बेटा कि ये एफ कॉस्टा, ये एफ कॉस्टा गायब हो गया, एफ साइन एटा, एफ साइन एटा। आई थिंक डायपोल पर जो नेट फोर्स है दैट इज बेसिकली टू टाइम्स एफ साइन थीटा, दैट इज टू टाइम्स। बेटा व्हाट इज एफ, एफ बेटा हमें निकालना आता है, दैट इज के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन टू साइन थीटा। साइन थीटा इज ऑफकोर्स बड़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बड़ा परपेंडिकुलर इज ए एंड हाइपोटेनस इज ऑफकोर्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ा मेरे ख्याल से तो अपने मचा दी है, ठीक है। चलिए बेटा ये जो क्यू इंटू टू ए है इसको हम पहचानते हैं। इस क्यू इंटू टू ए के लिए बेटा हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि क्यू इंटू टू ए बेटा दिस इज योर पी, और आप कह सकते हो कि सर नेट फोर्स कैन बी रिटन एज, बड़ा देखना क्या लिखूंगा, के ठीक है, पी ठीक है, क्यू ठीक है, नीचे मेरे बच्चे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वी नो इट वेरी वेल कि बेटा हम लोगों ने जो ए लिखा है ना बेटा, तो अपन ने माना है ऐसे, ए एक्चुअल सॉल्व में गिवन थोड़ी था बेटा, तो कोई इसे उड़ाने का जुगाड़ है क्या आपको? हाँ सर बिल्कुल जुगाड़ है, ए को हटाने का जुगाड़ तो डायपोल की डेफिनेशन में छुपा हुआ है। वैसे कहते हैं कि 2a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, इफ 2a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x तो ऑफ कोर्स a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, सो ऑफ कोर्स a स्क्वायर इज इवन मोर लेस एज कंपेयर टू x स्क्वायर, सो वी कुड से कि a स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं एंड द आंसर कम्स आउट टू बी के पी क्यू अपॉन x रेज टू पावर 3। बट दिस इज अवर आंसर। चलिए बेटा ये एक तरीका था, दूसरा तरीका और। इस तरीके में बेटा हमने ऑफ कोर्स पूरे के पूरे सवाल को बहुत ही बेसिक से किया है ना, बहुत ही बेसिक से किया, बट कोई कह दे कि सर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि फोर्स डायपोल में मत निकालो, पॉइंट चार्ज पर निकालो। भाई फोर्स तो चाहे डायपोल पर निकालो चाहे बड़ा पॉइंट चार्ज पर निकालो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। By Newton's third law, both of them will have same magnitude of force and direction will be opposite. So why don't we find the force on the point charge? Maybe it is easier. तो देख लेते हैं। तो आपका point charge यहाँ कहीं है, बड़ा this is your plus q, and बड़ा dipole यहाँ से x distance दूर यहाँ कहीं, and dipole is like this. माना कि dipole पर force निकालना मुश्किल है, लेकिन dipole के कारण q charge पर force निकालना आसान है। q charge पर force तो हमेशा एक स्टेल्स निकालते हैं, Q चार्ज मल्टीप्लाइड बाय बाकी सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सब कौन, इसके आस पड़ोस में कौन है आपको, सर इसके आस पड़ोस में डायपोल है, डायपोल की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा ज्यादा ध्यान से देखना कि ये जो Q चार्ज है ना ये डायपोल की एक्सिस पर नहीं पड़ी है बल्कि डायपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पर पड़ी है। डायपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी आती है। पहली बात तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू मेरे ख्याल से थी केपी अपॉन डिस्टेंस की पावर 3। ये तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सर मुझे तो फोर्स लिखना है। बेटा फोर्स लिखना है तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ फोर्स, क्योंकि क्यू चार्ज थोड़ा मैं पॉजिटिव मान रहा हूं और फोर्स की वैल्यू बड़े आराम से आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट बी केपी क्यू अपॉन एक्स रेज टू पावर 3। और अगली बात बेटा एक और, जो फोर्स इस पर नीचे है बेटा वही डायपोल पर ऊपर है। बेटा हमारे वाले केस में डायपोल पर फोर्स आया था ऊपर, फेयर इनफ। तो बड़ा बड़ा आसान सा काम है, कोई ऐसे बहुत टफ टास्क बेटा ये था नहीं यार। चले बेटा आगे चले, आगे चलिए बेटा नेक्स्ट इस एक सवाल और करता है बेटा, डायपोल का ही बड़ा एक सवाल और करते हैं, यही बेटा डायपोल का ही फोर्स निकालने वाला एक काम है बेटा, वापस से उसको भी एक बार निपटा लेते हैं। चलिए बेटा अच्छा सवाल है बेटा, एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट बेटा P1 है, इसी की एक्सिस पर एक दूसरा डायपोल पड़ा है, जिसका डायपोल मोमेंट बेटा मेरे पास P2 है। दोनों के बेटा वैसे तो छोटे छोटे डायपोल्स हैं, इनके सेंटर्स के बीच में जो सेपरेशन है बेटा वो मान लीजिए बेटा R है। बेटा R हो X हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, ये एक डायपोल, ये बेटा दूसरा डायपोल। सवाल बेटा वही है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू डायपोल्स, फाइंड। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन डायपोल्स, डायपोल्स के बीच बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा, सोचते हैं बेटा, है ना, आराम से सोचते हैं। कोई बहुत बड़ा अगेन कोई टास्क ऐसा है नहीं जो अपन से ना बने, सब कर लेंगे अपन। चलिए जरा इस पे फोर्स निकालते हैं, P2 डायपोल पड़ा है, किसके अंदर पड़ा है, P1 डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा है। P1 डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, ऑफ कोर्स नॉन यूनिफॉर्म होती है। P1 के कारण जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है सर, तो ऑफ कोर्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल पड़ा है, तो बड़ा फोर्स तो जीरो नहीं आएगा, कुछ आएगा, जो आएगा वो हमें निकालना है। एक तरीका थोड़ा बहुत सिंपल है और उसी से करना ही चाहिए, वो ऐसा है कि इस P1 डायपोल के कारण ये एक्सिस है, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब P2 डायपोल जो है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही पड़ा है। जब भी कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही पड़ा हो उस केस में हम लोगों ने फॉर्मूला याद कर रखा है फोर्स का, दैट इज P2 इंटू DE बाई DR। बड़ा ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, डायपोल 1 की वजह से, तो मैं इसको E1 लिख दूँ। सर वहां फॉर्मूले में आपने X लिखा था, अरे बेटा ये X और R तो सेपरेशन को या पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर बड़ा पोजिशन डिस्टेंस एक्स थी, बड़ा एक्स लिख दिया, बड़ा यहाँ पर डिस्टेंस आर है तो आर लिख दिया, कौन सा बड़ा टास्क बड़ा इसमें। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि दैट इज इक्वल्स टू P2 इंटू DY DR ऑफ वॉट, तो आप DY DR ऑफ P1 के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, P1 के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चों को याद रहती है, याद रहती है बेटा, दैट इज 2K P1/R⁴। बड़ा जैसे डिफ्रेंशिएट किया बेटा दैट कम्स आउट -6K P1P2/R⁴। बढ़िया आंसर बेटा, अच्छा आंसर। बड़ा माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़ा माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बड़ा अगर डायपोल्स अगर ऐसे पड़े तो बड़ा फोर्स जो आएगा वो एट्रैक्टिव आएगा, इतना सा काम कर रहा है, फेयर एनफ बन जाएगा बड़ा काम। कोई बच्चा कहते कि सर ठीक है फॉर्मूला याद था तो सर सवाल कर लिया, सर मुझे ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर डायपोल पड़ा है उस पर जो फोर्स निकालना है उसका फॉर्मूला याद ना हो तो क्या सर मेरे से सवाल नहीं बनेगा। बड़ा बनेगा तो सही, टाइम लगेगा तेरे को, लेकिन बड़ा सवाल तो तेरे से बनेगा ही, तो अगर बिल्कुल पीछे पड़ जाएगा अगर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगा तो कहेगा कि सर मैं इस P2 को भूल रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक बार के लिए प्लस Q चार्ज रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक माइनस Q चार्ज रख रहा हूँ और इस प्लस Q और माइनस Q के बीच का जो सेपरेशन है मैं उसको एक बार के लिए 2A लिख रहा हूँ। आखिर में जहाँ कहीं Q इंटू 2A लिखा हुआ दिखाई देगा मैं वहाँ पर P2 लिख दूंगा। बड़ा बिल्कुल सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इस डायपोल पर फोर्स निकालना है, किसके कारण, इस डायपोल के कारण, इस डायपोल ने इस माइनस क्यू पर कोई ना कोई फोर्स लगाया होगा। वेरी सिंपल, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ऐसे तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स आएगा ऐसे, इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स आएगा बेटा मैं उसे डायरेक्टली लिख रहा हूं, वो फोर्स आएगा इसका तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई P1 के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। पता नहीं बेटा आपको फॉर्मूला याद है या नहीं, फॉर्मूला है 2K P1/distance³। बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस है R-A, बड़ा ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है A, तो बड़ा ये डिस्टेंस है R-A। इसी तरह से इस प्लस Q चार्ज पर जरूर इस डायपोल ने कोई फोर्स लगाया होगा। डायपोल के लिए बेटा ये वाला पॉइंट है एक्सिस पर, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो बड़ा ऑफ कोर्स फोर्स भी ऐसे, तो इस पर बड़ा फोर्स आएगा बाहर की तरफ, वो फोर्स आएगा इसका तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डायपोल के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2K P1/distance। बड़ा यहां से तक डिस्टेंस आर, तो बड़ा ये है ए और दैट इज R+A⁴। एज यू कैन सी दैट कि बेटा ये वाला फोर्स बड़ा है ये वाला फोर्स छोटा है, तो नेट फोर्स जो है बड़ा इस सिस्टम ऑफ चार्ज या डायपोल पर कुल मिलाकर इस तरफ आएगा, बड़ा कुल मिलाकर इस तरफ आएगा।
और उस नेट फोर्स पर हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इज, बड़ा लिखाओ, दिस माइनस दिस, बड़ा टू बाहर, के बाहर, पी वन बाहर, क्यू बाहर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, दिस माइनस दिस, दैट इज वन अपॉन आर माइनस ए रेस टू पावर थ्री माइनस बड़ा वन अपॉन आर प्लस ए रेस टू पावर थ्री। बड़ा चाहो तो तुम क्यूब भी कर सकते हो, क्यूब करने से भी आंसर आ जाएगा, और बड़ा तुम चाहो तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों आने चाहिए। ठीक, तो मैं बड़ा इसको लिख सकता हूँ, दैट इज टू के पी वन क्यू आर रेस टू पावर बड़ा थ्री को नीचे निकाल लो, निकाल लिया बड़ा, इट कैन बी रिटन एज बड़ा क्या, वन अपॉन वन माइनस ए बाई आर की पावर थ्री माइनस बड़ा वन प्लस ए बाई आर की पावर थ्री। इट कैन बी रिटन एज टू के पी वन क्यू अपॉन आर रेस टू पावर थ्री इंटू बड़ा क्या, वन माइनस ए बाई आर की पावर माइनस थ्री माइनस वन प्लस ए बाई आर की पावर माइनस थ्री। बड़ा एक छोटा सा बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन है, आप सब लोगों ने पढ़ी रखा होगा कि हम वन प्लस एक्स रेस टू पावर एन को वन प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, कब बेटा, इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ए, सॉरी एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वन। इसी तरह से वन के सामने ये जो ए बाई आर है बहुत छोटा है, सर क्यों छोटा है, बड़ा ए छोटा और आर बड़ा है, ए छोटा होना तो बड़ा हमारे डायपोल की डेफिनेशन ही थी, तो दिस ए बाई आर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वन, तो हम बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन बड़े आराम से लगा सकते हैं, हम लिख सकते हैं दैट इज माइनस टू के पी वन क्यू अपॉन आर रेस टू पावर थ्री वन प्लस एक्स रेस टू पावर एन कैन रिटन एज वन प्लस एन एक्स, बड़ा माइनस थ्री नीचे है तो माइनस थ्री ए बाई आर माइनस बड़ा लेके आओ वन माइनस थ्री ए बाई आर, बड़ा वन वन तो कैंसिल हो गया, थ्री ए बाई आर प्लस थ्री ए बाई बड़ा कितना सिक्स ए बाई आर, कुल मिलाकर बड़ा मेरे पास आ गया दैट इज माइनस टू के पी वन क्यू सिक्स ए बाई आर मतलब बड़ा आर रेज टू पावर फोर। बेटा ये जो q इंटू टू ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको मेरे बच्चे वापस से क्या लिख देंगे, पी टू, और बेटा इसको पी टू लिखते बेटा मेरे पास आ गया आंसर माइनस बेटा माइनस टू, उसमें बेटा माइनस नहीं है, माइनस बता दैट बी सिक्स के पी वन पी टू अपॉन बेटा आर रेस टू पावर फोर, ये बेटा अपना आंसर आ गया। तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन तो हम पहले से निकाल चुके हैं, और ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, बड़ा फोर्स वापस से बड़ा वही आ गया जिसकी हमारी एक्सपेक्टेशन रेट थी, दे दे सिक्स के पी वन पी टू अपॉन आर रेस टू पावर फोर, यही एक्सपेक्टेशन थी बेटा, वही हमारा आंसर आ गया। चलिए बच्चों बेटा समझ तो गए होंगे, है ना, आसान सा ही था, आगे चलते नेक्स्ट इस बेटा अगला टॉपिक, ये बेटा डायपोल वाला काम निपट गया बेटा, शीट में से बेटा मैं डायपोल से पहले तक के सवाल तो बेटा आपको सारे दे चुका था कि बेटा निपटा लेना, बड़ा डायपोल वाला सेक्शन भी एक्सरसाइज वन पार्ट टू दोनों में निपटा लेना, डायपोल के सवाल बेटा आगे एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज थ्री में जहाँ कहीं दिखे वो बेटा सारे के सारे सवाल निपटा सकते हो। बेटा मैंने मोस्टली सवाल बेटा आपको कराए दिए हैं कि किस किस तरह के सवाल बेटा आपसे पूछते हैं, तो शीट में बेटा सारे सवाल निपटा सकते हो, ठीक है, पूरा निपटा दो उसको, कर लो ना। नेक्स्ट इज बेटा नया टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, या फिर बेटा ई एल ओ एफ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या बेटा ई एल ओ एफ एक ही बात है। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटर तरीके से फील करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटर तरीके से इमेजिन करने के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है। हमने पॉइंट चार्ज या फिर बड़ा चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज बॉडीज में से कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलती हुई मानी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निकलती है, निकलती हुई मानी है, और उन इमेजनरी लाइन्स को या उन इमेजनरी कर्व्स को बड़ा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सुनिएगा, पहली बात
नाम में बेटा भले ही लाइन हो, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स और कर्व्स, बेटा लाइन भी हो सकता है कर्व भी हो सकता है, इमेजिनरी लाइन्स और कर्व्स टेंजेंट टू विच एट ए पॉइंट विल प्रोवाइड टेंजेंट टू विच एट ए पॉइंट विल प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, वो उस लाइन पर या कर्व पर टेंजेंट खींच दो आपको पता लग जाएगी। जैसे मैं अगर कहूं कि बेटा मान लें कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और यूं एरो लगा हुआ है, मान लो ऐसा मैंने बोल दिया, तो इसका अर्थ ये है कि इस पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इट विल बी लाइक दिस, बेटा टेंजेंट खींच दो एक्स पॉइंट पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स। मेरे कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास ये कोई पॉइंट है वाई, तो इस वाई पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दो बेटा ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वाई। बेटा मान लीजिए कि यहाँ कहीं कोई बेटा जेड पॉइंट है, तो जेड पॉइंट पर बेटा डायरेक्शन ऐसे एरो खींच दो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जेड। तो अगर बेटा आपने कोई इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कर्व बना रखा है, तो उस कर्व पर जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट खींच दीजिए, द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट विल प्रोवाइड अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एज सिंपल एज दैट, दिस इज योर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। एज आई टोल्ड यू कि बेटा ऐसा नहीं है कि चार्ज पार्टिकल्स एक्चुअल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकालते हो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज बेटा हमारी जस्ट इमेजिनेशन है, जस्ट बेटा हमने इनको माना है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को विजुअलाइज करने के लिए, या फिर बेटा सही कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम के थ्रू दिखा सकूँ, इसके लिए हमने ये इमेजिनरी लाइन्स और कर्व्स माने हैं। कभी भी दिमाग में ये मत मान लेना कि हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस चार्ज पार्टिकल्स में से निकलते हैं, निकलते नहीं बेटा, हमने हमारी सहूलियत के लिए, हमारे सवाल आसानी से बन जाएं, हम चीज़ों को बेटर तरीके से डायग्रामेटिकली देख पाएं समझ पाएं, तो हमने माने हैं दे आर नॉट रियल, दे आर इमेजिनरी, दे आर वर्चुअल। तो बेटा अगली बात, हालांकि आप समझ गए बेटा, फिर भी मैं एक छोटी सी बात और बोलूं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर लाइन्स और कर्व्स विच गिव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of electric field in the region, बड़ा किसी भी region के अंदर electric field को diagrammatically दिखाना हो, imagine करना हो, तो बड़ा इसके लिए electric line of forces use करते हैं। Fair enough? हमारे पास बड़ा electric line of forces को लेके खूब सारी बातें हैं, वो बड़ा एक बार बातें लिखते हैं, फिर दो चार बड़ा cases के अंदर electric line of forces बनाएंगे भी, ठीक है? तो बड़ा पहले ना कुछ properties लिखते हैं electric line of forces की, फिर उसके बाद बेटा अपन धीरे धीरे अपने सारे के सारे कहानी बनाएंगे। सबसे पहली बात, सुनना बेटा, बेटा प्रॉपर्टीज सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या तो इन्फिनिटी से निकलेंगी या पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, या तो पॉजिटिव चार्ज से या इन्फिनिटी से। तो बड़ा लिखना इस बात को, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बेटा, मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ई एल ओ एफ ही लिखूंगा, आप भी बेटा नोट्स में ई एल ओ एफ ही लिखना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम आइदर पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी, या तो बड़ा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा या बड़ा इन्फिनिटी से निकलेगा। फेयर एनफ। दूसरी बात,
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है बड़ा, वो खत्म कहां पर होगा? निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज या इन्फिनिटी से, खत्म होगा या तो नेगेटिव चार्ज पे या इन्फिनिटी पे। क्या अर्थ है बेटा देखने की चिंता मत करो। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टर्मिनेट्स टू आइदर नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। बड़ा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या तो नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म होगा या इन्फिनिटी पर खत्म होगा। तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। सुनना बेटा, अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड है, आस पड़ोस में और कोई दूसरा चार्ज नहीं, सिर्फ यही चार्ज है, देन वी नो इट वेरी वेल कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो आप बोलो सर रेडियली आउटवर्ड्स। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? रेडियली आउटवर्ड्स। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड्स। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं बेटा, वो ऐसे होंगी, बाहर निकलती हुई लाइंस होंगी ऐसे। बेटा मैं तो डायग्राम में ऐसे 2D में दिखा रहा हूं, लेकिन ये जो लाइंस निकल रही है बेटा 2D में नहीं निकल रही बेटा, 3D के अंदर निकल रही है बेटा, ऐसे भी आ रही बेटा लाइंस ऐसे आपकी तरफ। पॉजिटिव चार्ज के कारण लाइन निकल रही है ऐसे, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। बेटा देखना ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है बेटा, दीज लाइन्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अच्छा खत्म कहां पर हो रही है? तो आप बोलो सर अगर ऐसे अगर चलते रहेंगे तो कहां खत्म होंगी? इन्फिनिटी पे होंगी। तो आप कह सकते हो कि दीज लाइन्स विल टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। बेटा जाएंगी जाएंगी जाएंगी, कहां जाएंगी बेटा? इन्फिनिटी पे जाएंगे। ऐसी इमेजिनरी लाइन्स बेटा आप किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से निकलती हुई मान सकते। आगे चलिए बेटा, अगला पॉइंट, नेगेटिव चार्ज के कारण भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगे, बस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स नहीं होंगे बेटा, रेडियली इनवर्ड्स होंगे। बेटा फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज रेडियली इनवर्ड्स, इज रेडियली इनवर्ड्स। अगर बेटा एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, ऐसा चार्ज है बेटा जो रेस्ट पे है और अकेला है, आस पड़ोस में और कोई चार्ज नहीं है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बेटा वो रेडियली आउटवर्ड्स ना होके इनवर्ड्स होगी। कारण थोड़ा आप जानते ही हो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो मैं आपसे पूछ बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? तो आप बोलो सर इस तरफ होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी इस तरफ। तो आप कह सकते हो कि नेगेटिव चार्ज जो है उस पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे आके टर्मिनेट होंगी, खत्म होंगी, ऐसे होंगी बेटा, ऐसे खत्म होंगे, ऐसे खत्म होंगे। आप कहो चलो सर खत्म तो होंगी मान ली, लेकिन सर ये लाइन कहीं ना कहीं से तो आई होंगी, सर ये लाइंस कहीं ना कहीं से तो आई होंगी। सर आपने तो ये लिखाया था कि ना ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से आएंगी। नहीं बेटा मैंने ये नहीं लिखा कि पॉजिटिव चार्ज से आएंगी, मैंने लिखा था कि या तो पॉजिटिव चार्ज से आएंगी या इन्फिनिटी से आएंगी। अब कोई पॉजिटिव चार्ज थोड़ा है नहीं, तो ये लाइन कहां से आई होंगी? तो आपको सर दीज हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन्फिनिटी। तो आप कह सकते हो कि दीज लाइन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन्फिनिटी। बड़ा ये इन्फिनिटी से ओरिजिनेट हुई, फेयर इनफ।
तो टर्मिनेट कहां पर होंगे बेटा? नेगेटिव चार्ज पर. ओरिजिनेट कहां से बेटा? नेगेटिव सॉरी इन्फिनिटी से. चलिए बेटा हमारा पॉइंट बढ़िया से बन गया. दिस वाज अवर पॉइंट नंबर 4. तो अकेले पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और अकेले बेटा नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स होंगे. ये बेटा आपको याद ही रखना है. अगला काम, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है बेटा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज रखा करो. मतलब कहने का वैसे आप तो कहोगे सर इमेजिनरी लाइन से सर कितनी रख दो. हाँ वैसे तो कितनी रख दो, लेकिन अगर मान लो कि आपने किसी एक कूलम्ब चार्ज से 50 लाइंस निकलती हुई दिखाई है तो 2 कूलम्ब चार्ज से हमेशा 100 लाइंस दिखानी पड़ेंगी आपको. अगर आपने मान लीजिए कि एक कूलम्ब चार्ज से 10 लाइन निकलती हुई दिखा दी तो 3 कूलम्ब चार्ज से बेटा आपको 30 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती हुई दिखानी पड़ेगी. तो नंबर ऑफ लाइंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इटसेल्फ. तो बड़ा फिफ्थ पॉइंट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. चाहे बेटा ओरिजिनेट हो रहा हो चाहे टर्मिनेट हो रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बस इस बात से फर्क पड़ता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो संख्या है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना जरूरी है बेटा. ठीक है जरूरी है. अगला पॉइंट, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. सर क्यों नहीं करेंगे? अगर ये वाला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर सही है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है. अगर ये वाला इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सही है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है. और आप तो जानते हैं बेटा कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो नहीं सकता. तो इसका मतलब दीज टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नॉट इंटरसेक्ट. बेटा इंटरसेक्ट नहीं करेगा. तो क्या कहूं बेटा, हाँ, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल नेवर इंटरसेक्ट. बेटा कभी भी इंटरसेक्ट करते हुए दिखाना ही नहीं बेटा अपन को. अपन को कभी ऐसी बेवकूफी करनी ही नहीं अपन को. अगला, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बेटा जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं वो कभी भी इस तरह से क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा. क्लोज लूप मतलब बड़ा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो यूं चलते चलते वापस ऐसे क्लोज लूप बड़ा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारे इस चैप्टर में कभी नहीं बनेंगे. इस चैप्टर मतलब इस चैप्टर में बड़ा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज. कि आखिर स्टैटिक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट की है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है ये स्टैटिक चार्ज ने क्रिएट की है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस तरह का क्लोज लूप नहीं बनाएगी. तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, हमें लिखना चाहिए. बट दैट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू स्टैटिक चार्ज विल नेवर मेक ए क्लोज्ड लूप. बड़ा कभी भी इस तरह से क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा. कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा. सर कारण क्या है बताता हूं. क्या कारण है सुनना बेटा. पहले मान लो कि ये क्लोज लूप बनाएगा. मान लो कि बनाएगा, ठीक है. और मैंने एक क्यू चार्ज को है ना सोचा कि अब मैं इस क्यू चार्ज को इस क्लोज लूप पे चलाता हूं, ठीक है. मैंने लिखा तो दिया बेटा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो वो ऐसे क्लोज लूप नहीं बनाएगा. क्लोज लूप मतलब बेटा जहां से चला है ना वहीं पर वापस आए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है. तो मैंने लिखा तो दिया, अब मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ. प्रूव करने के लिए मैंने कहा कि चलो मान लेते हैं क्लोज लूप बनाएगा, ठीक है. अब इस क्यू चार्ज को चलाते 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 यहीं लेके आना है. इस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर ऐसे है तो इधर की तरफ एक फोर्स है. कितना फोर्स है मेरे बच्चे? क्यू इंटू ई, सॉरी बेटा क्यू इंटू ई. और इस तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है. लेट से मेरे बच्चे इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है DL1, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है. फोर्स भी इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ. तो आप बोला सर छोटा सा वर्डन आएगा क्यू इंटू ई इंटू DL1, मानते हो. फिर जैसे यहां पहुंच गया फिर मैंने सोचा कि इस चार्ज पार्टिकल को चलाते 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 यहां ले आया. ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है DL2. मैंने आपसे पूछा कितना वर्डन आएगा? आप बोला सर फोर्स लगेगा टेंजेंशियली क्यू इंटू ई, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ DL2, तो वर्डन आएगा Q इंटू ई इंटू DL2.
क्यू इंटू ई इंटू डी एल टू। फिर बेटा यही क्यू चार्ज को मैंने चलाते 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 यहाँ ले आया, ये छोटा सा फिर से डिस्प्लेसमेंट आ गया, बेटा कितना आ गया डी एल थ्री मान लो। अब तुम जानते हो कि फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऑफकोर्स सर्कुलर लूप बना रहा है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ तो फोर्स भी इस तरफ, फोर्स है इस तरफ क्यू इंटू ई, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट एल थ्री, तो वर्डन आ गया क्यू इंटू ई इंटू डी एल थ्री। ऐसे बेटा जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ सारा वर्डन आ जाएगा। सारे वर्डन को निकालने के लिए बेटा क्यू इंटू ई तो मैंने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में आ गया, क्या आ गया डी एल वन प्लस डी एल टू प्लस डी एल थ्री प्लस डी एल फोर प्लस डी एल फाइव, जोड़ते 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 यहीं तक पहुंच गया। तुम जानते हो बेटा कितना आ जाएगा टू पाई आर, आर बेटा एक तरह से इस लूप का बेटा क्या हो गया रेडियस, ये वर्डन आ गया। एंड यू नो दैट कि ऐसा वर्डन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा, मैं तो बता रखा है क्यों पॉसिबल नहीं है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज्ड लूप के अंदर बेटा वर्क डन हमेशा जीरो होना चाहिए। याद तो ना बेटा ग्रेविटेशन के अंदर भी बेटा जहां से चले थे वहीं पहुंचते थे, तो बेटा ग्रेविटी का वर्डन क्या करता था जीरो। स्प्रिंग फोर्स में जहां से चलते थे वहीं पहुंचते थे, तो बेटा वर्डन क्या करता था जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी बिल्कुल शुरुआत में बोल दिया अपन ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए बिल्कुल शुरुआत में बोल दिया था, बिल्कुल जब कूलम्ब्स लॉ अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था ना तभी बोल दिया था कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कंजर्वेटिव है, और अगर कंजर्वेटिव है तो पूरे क्लोज पाथ के अंदर वर्डन जीरो होना चाहिए, और क्लोज पाथ में अगर वर्डन जीरो होना चाहिए और हमारा वर्डन जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब या तो अपन ने वर्डन गलत निकाला है या फिर इस तरह क्लोज लूप पॉसिबल नहीं है। आप बोलोगे सर जो जो लूप बना रखा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन मैंने सर सही की है, सर कैलकुलेशन सही की है इसका मतलब इस तरह का लूप पॉसिबल है ही नहीं। भाई दो ही केस थे, वर्क डन क्लोज लूप में जीरो आना चाहिए क्योंकि हम बोल चुके हैं कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो तो कंजर्वेटिव होता है, क्लोज लूप में वर्डन जीरो आना चाहिए। हमने वर्डन निकाला और वो जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया इस बात के दो ही अर्थ निकलते हैं, या तो हमारी कैलकुलेशन गलत है या इसका मतलब क्लोज लूप पॉसिबल नहीं है। हमारी कैलकुलेशन तो सही है, इसका मतलब बड़ा क्लोज लूप पॉसिबल नहीं है। तो स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, वो कभी भी बड़ा इस तरह का क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, नहीं बनाएंगी, नहीं बनाएंगी। अच्छा पॉइंट है बेटा, याद रखें, इससे बड़ा हमारे बार बार काम आएगा, हमें बड़ा काफ़ी हेल्प रहेगी इससे, है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट इज अगला पॉइंट बेटा, नाइन्थ पॉइंट। अच्छा बेटा एक बात हो, मैं एक बात बोलना भूल गया, क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा इस बात को यार कई लोग है ना एक तरीके से और भी समझाते हैं, और वो समझाना आसान है, ये इंटरेस्टिंग था एक तरीका और है। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, तो कहाँ से जा रही होगी, तो आप बोलोगे सर आपने लिखा रखा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या तो इन्फिनिटी से निकलती है या पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, यहाँ पर इन्फिनिटी तो है नहीं, तो पक्की बात है कि बेटा यहाँ पर चार्ज क्या है पॉजिटिव, तभी तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है। यही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चलते 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 वापस से पॉजिटिव चार्ज में आ गई, क्या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो सकती है क्या, आप बोलोगे नहीं सर, तो पॉजिटिव चार्ज से ही लाइन निकल रही है और पॉजिटिव चार्ज पर लाइन टर्मिनेट हो रही है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो बड़ा ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। अगली बात, ये वाली बात बड़ा मैं रिपीट ही कर रहा हूं एक तरह से, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बेटा ये वाला पॉइंट हम लोग है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बोल ही चुके थे। अब जब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है, तो ऑफकोर्स बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही होगा, है कि नहीं यार, है ना, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी। बेटा टेंथ पॉइंट, यार टेंथ पॉइंट डिफाइन करने से पहले, टेंथ पॉइंट बताने से पहले मुझे एक टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी, मैं पहले वो टर्म डिफाइन करता हूँ उसके बाद बेटा टेंथ पॉइंट लिखते हैं। That term is line density. बड़ा that term is line density. नाम से बड़ा आइडिया लग गया होगा कि line density का अर्थ क्या है। Line density का अर्थ है कि number of electric line of forces per unit area. जैसे मान लीजिए बड़ा कि ये electric line of forces,
ये इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस है। इसकी कितनी संख्या है पर यूनिट एरिया, ये बेटा मान लीजिए कि एरिया है लेट्स से डीएस, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस इसमें से गुजर रही हैं और पर यूनिट एरिया दिस नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग ए क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इट इज नोन एज अवर लाइन डेंसिटी। तो लाइन डेंसिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, बेटा पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, बेटा दिस इज अवर लाइन डेंसिटी, ये बेटा अपनी लाइन डेंसिटी, फेयर एनफ। और अच्छा पॉइंट क्या था, पॉइंट ये था कि लाइन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, लाइन डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, लाइन डेंसिटी कम है मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, लाइन डेंसिटी जीरो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सीधी बात। जहां पर लाइन डेंसिटी ज्यादा बड़ा वहां पर मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहां लाइन डेंसिटी कम मतलब लाइन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा, थोड़ा नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, सीधी सी बात। जैसे मैं एग्जाम्पल दू बड़ा एक कोई पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है ठीक है, और मैंने ना इसमें से बड़ा ऐसे कुछ ना कुछ रेज निकाल रखी है, 3D के अंदर बड़ा ऐसे खूब सारे रेज निकल रही है, बड़ा ऐसे 3D में रेज निकल रही है ऐसे, मान लीजिए बड़ा इसमें से कुल मिलाकर n नंबर ऑफ रेज निकली है, ठीक है n नंबर ऑफ रेज निकल रही है। मैंने क्या किया कि r डिस्टेंस दूर जाके, सॉरी बेटा स्मॉल r1 डिस्टेंस दूर जाके एक स्फीयर बना लिया ऐसे स्फीयर, ठीक है, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस स्फीयर पर लाइन डेंसिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इस स्फीयर की सरफेस पर लाइन डेंसिटी होगी नंबर ऑफ लाइंस तो है n अपॉन बेटा एरिया, एरिया इज ऑफ कोर्स 4 पाई r1 का स्क्वायर, बेटा ये स्फीयर बनाया ऐसे, ठीक, ये लाइन डेंसिटी है, ठीक है ना, लाइन डेंसिटी है। अब मैंने ऐसा ही एक स्फीयर और बना लिया s r2 रेडियस का, और मैंने पूछा कि बेटा इसमें लाइन डेंसिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर ये स्फीयर वन में ये स्फीयर टू में उतनी लाइंस गुजर रही हैं सर, बेटा लाइंस तो उतनी गुजर रही हैं लेकिन लाइन डेंसिटी कम हो गई है, क्यों कम हो गई, क्योंकि यहां पर एरिया ऑफ कोर्स कम था, यहां पर एरिया ज्यादा है, उतनी नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं ज्यादा एरिया पर तो लाइन डेंसिटी कम हो गई है, कितनी आएगी लाइन डेंसिटी एन अपॉन फोर पाई आर टू का स्क्वायर। अब देखो इस स्फीयर से गुजरने वाला नंबर ऑफ लाइंस और इस सरफेस से गुजरने वाले लाइंस की संख्या बराबर है, बट यहां पर लाइन डेंसिटी ज्यादा है यहां पर लाइन डेंसिटी कम है, क्यों, क्योंकि तो यहां पर एरिया कम यहां पर एरिया ज्यादा, तो लाइन डेंसिटी यहां ज्यादा यहां कम, यहां पर लाइन डेंसिटी ज्यादा है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होनी चाहिए, तो सोचो बेटा क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है क्या, आप लोग हाँ सर ज्यादा है, दूर जाएंगे तो बेटा वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटेगी, दूर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी और लाइन डेंसिटी भी कम होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मुझे इन दोनों की लाइन डेंसिटीज का रेशियो चाहिए, मुझे चाहिए लाइन डेंसिटी ऑफ वन डिवाइडेड बाय लाइन डेंसिटी ऑफ टू, बेटा मुझे रेशियो चाहिए एन से एन गायब फोर पाई से फोर का पाई गायब, बेटा मेरे पास बड़े आराम से आ गया आर टू अपॉन आर वन का स्क्वायर। और अगर मैं कहूं कि बेटा मुझे ना यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है इसका रेशियो चाहिए, तो तुमको सर वो भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वन अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वन आ गया है के क्यू अपॉन आर वन का स्क्वायर डिवाइड बाई के क्यू अपॉन आर टू का स्क्वायर, डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया आर टू अपॉन आर वन का स्क्वायर। जरा गौर करना बेटा इक्वेशन नंबर वन
और इक्वेशन नंबर टू, दोनों गौर करना, ये भी अपॉन आर टू अपॉन आर वन का स्क्वायर, ये भी आर टू अपॉन आर वन का स्क्वायर। अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा तो मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बेटा, कि लाइन डेंसिटी, ओ सॉरी ढंग से लिखते हैं बेटा, हाँ यहां लिख दूं, लाइन डेंसिटी एट वन डिवाइडेड बाई लाइन डेंसिटी एट टू इज बेसिकली इवन इज टू ईट। बट हमने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन डेंसिटी, या फिर लाइन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, बढ़िया पॉइंट। तो बेटा ये वाला पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होंगी वो बेटा इस तरह से, उनकी जो लाइन डेंसिटी होगी, उनके जो नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया है, वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया होंगी, ऑफकोर्स बेटा उतनी ही ज़्यादा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बेटा ठीक है, अच्छा पॉइंट है, याद रखना है बेटा, ठीक है, इसमें कोई है ना कोताही नहीं बरत सकते, वी हैव टू हैव रिमेंबर दिस। चलिए बेटा एक सवाल पूछ लेते हैं बेटा, पॉइंट्स तो सारे हो गए है ना, पॉइंट्स बेटा सारे हो गए एक बार के लिए, तो कुछ पॉइंट्स बेटा ऐसे ही बच गए जो मेटल या बेटा कंडक्टर्स के लिए हैं, वो हम अलग से हेडिंग डालेंगे कंडक्टर, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल बेटा तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात सुनो, ठीक है बेटा। बात बेटा इतनी सी है कि एक सवाल करना अपन को, सवाल ऐसा है कि आपके पास एक रीजन है बेटा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे हैं, ऐसे यहां कहीं बड़ा एक पॉइंट है ए, और बड़ा यहां कहीं बड़ा कोई पॉइंट है बी, ठीक है। आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, दूसरा बेटा पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बड़ा कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, बड़ा पोटेंशियल एट ए पोटेंशियल एट बी कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, सिर्फ कंपेयर करना है बेटा, मतलब बीच में इनइक्वलिटी या इक्वलिटी का साइन लगाना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं बेटा। लगा दिया, चलिए मैं भी लगाता हूं। जैसे बेटा मैंने ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया बेटा, ऐसे छोटा सा एरिया ले लिया बेटा, मैंने बी पर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, छोटा सा एरिया ले लिया, आप देख पा रहे हो बेटा यहां पर इस एरिया में से जो नंबर ऑफ लाइन्स गुजर रही हैं और इस एरिया में जो नंबर ऑफ लाइन्स गुजर रही हैं, ऑफकोर्स यहां पर नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है, यहां पर नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया कम है, तो इसका मतलब बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। सॉरी डाउन उल्टा बोल दिया, ये ए है ये बी है, तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा ज्यादा है बी पर कम है। सर पोटेंशियल कैसे डिफाइन करो, बड़ा पोटेंशियल ऐसे डिफाइन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस तो ऐसे हैं, तो पक्की बात है कि बी पर पोटेंशियल ज्यादा है और ए पर पोटेंशियल कम है, तो बी पर पोटेंशियल इज मोर देन बड़ा ए पर पोटेंशियल। कहीं तुम ये तो नहीं सोचते कि सर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहीं पर पोटेंशियल ज्यादा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहीं पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तुमने बना रखा हो तो अलग बात है, लेकिन जो अपने आपस में बना रखे हैं बेटा वो नहीं चलेंगे ना, उनसे कुछ नहीं होना, ठीक। तो बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो है बेटा वो ऐसे थी, तो ऑफकोर्स बी पर पोटेंशियल बड़ा बेटा ए पर पोटेंशियल छोटा, और ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के तुम देख रहे हो कि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पर डेंसिटी कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया ज़्यादा है यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स एरिया पर यूनिट कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। बढ़िया आंसर, आगे आगे चलते बेटा। नेक्स्ट बेटा एक दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं जो बेटा हमें बनाने आने चाहिए, जो हमें बेटा हल्के फुल्के बनाने बेटा आने ही चाहिए, तो वो बेटा अपन बनाते हैं ना। चलिए हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि सुनना बेटा, ये वाई एक्सिस, ये बड़ा एक्स एक्सिस,
और एक्स एक्सिस पर बेटा दो चार्जेस पड़े, एक चार्ज बेटा प्लस क्यू, एक बेटा आपका चार्ज माइनस क्यू, और हमें इस रीजन के अंदर बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनाने हैं, बनाएंगे बेटा। दोनों का चार्ज बेटा अगर सेम है तो ऑफ कोर्स इसमें से जितने नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगी उस पर उतनी नंबर ऑफ लाइंस जाएंगी। देखते हैं बीच वाला रीजन देखो, थोड़ा बीच वाले रीजन पर प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, माइनस क्यू चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो बीच वाले रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, विल बी लाइक दिस। प्लस से निकलेंगे माइनस पे जाएंगे, बीच में ऐसा भी होगा, ओ सॉरी माइनस क्यू पर ही जानी चाहिए, जो बड़ा बीचों बीच वाला पॉइंट है ना बड़ा, ऐसे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनना चाहिए। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फोर्स बड़ा ऐसे आएंगे, मैं कारण भी बता सकता हूं बड़ा ऐसा क्यों। कारण ये है कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर वाला कंपोनेंट और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे वाला कंपोनेंट क्या जाएगा कैंसिल। हम जानते हैं कि बड़ा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ऐसे आएगी, और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी तो कर्व यू होना चाहिए और टेंजेंट ऐसे आना चाहिए, फिर ना अगला कर्व बड़ा बनाना चाहिए ऐसा, बट ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बड़ा इट विल बी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा कितनी होगी मैं सिखा चुका तुम लोगों को, इस तरह से बड़ा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्लस से निकलेंगे बड़ा माइनस में जाएंगे, ऐसे बड़ा निकलते दिखा दो ऐसे इस पे। इसी तरह से इस एक्सिस वाले पॉइंट को देखो बड़ा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। प्लस वाला चार्ज नजदीक है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी, माइनस वाला चार्ज दूर है बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, ये एक ऐसी सी बड़ा कहानी यहां पर। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी रेडियली इनवर्ड्स, प्लस क्यू चार्ज के कारण आएगी रेडियली आउटवर्ड्स, बड़ा माइनस क्यू नजदीक है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा ऐसे हम बड़े आराम से एक प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एक छोटी सी बात में और बोलूंगा, जैसे ये वाला पॉइंट है यहां पर, इसका ग्राफ ऐसे कैसे है इस बात को हल्का सा ऐसे डिफाइन, ऐसे बता रहा हूं कि बेटा कैसे कैसे ग्राफ बना है ना, आपको हल्का सा और आइडिया लगे कि बेटा क्या टेंजेंट है, क्या कर्व है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा और आइडिया लगे। देखना बेटा इस पॉइंट को जरा गौर से देखना, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, छोटी सी, छोटी क्यों, क्योंकि बेटा प्लस वाला जो क्यू चार्ज है यहां से दूर है। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, सर आपने ये रेड वाला एरो छोटा दिखाया, ये ग्रीन वाला एरो बड़ा दिखाया, ऐसा क्यों बड़ा? ऐसा इसलिए कि प्लस वाला चार्ज दूर था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी थी, ये माइनस वाला चार्ज बड़ा नजदीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी समथिंग लाइक दिस बड़ा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल बी समथिंग लाइक दिस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। इसका और इसका रिजल्टेंट यू कहीं आएगा जो इस पॉइंट पर जो कर्व है, इस पॉइंट पर जो कर्व है उस पर टेंजेंट होगा, उस पर यही तुम्हारा फंडा था बेटा, यही तुम्हारा फंडा था। उसी तरह से बेटा मान लीजिए कि मैंने यहां कहीं कोई पॉइंट लिया, यहां कहीं बेटा कोई पॉइंट लिया, लेते हैं बेटा करते हैं डिस्कस। बेटा बताओ ये वाला जो चार्ज है बेटा ये प्लस क्यू के नजदीक है, ठीक है बेटा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे,
माइनस क्यू वाला चार्ज, बेटा माइनस क्यू वाला चार्ज थोड़ा दूर है, उसके कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। उसके कारण बेटा माइनस इलेक्ट्रिक, ये दो वेक्टर है बेटा, इनको जोड़ना है, जोड़ देंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटा, दो वेक्टर अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट किस तरफ होता है, बड़े वाले के नजदीक। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इट विल कम आउट विल लाइक दिस, वो जो नेट है बेटा इट विल कम आउट दिस। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है बेटा, वो ऑफ कोर्स हमारा जो जो क्या कहते हैं बेटा कर्व है उस पर टेंजेंट आएगी, ये जो कर्व है बेटा इस पर टेंजेंट आएगी। तो बेटा इस तरह से बेटा बड़े आराम से कह सकते हो कि ना हर पॉइंट पर इस तरह से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, उन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वेक्टर सम आएगा, एक रिजल्टेंट आएगा, और जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो हमेशा ही बेटा हमारे उस कर्व के टेंजेंट के अलोंग होगा, हमेशा ऐसा होगा। फेयर इनफ, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज एक छोटा सा काम और बेटा, छोटा सा काम बेटा अभी कर लेते हैं। अगर मान लीजिए बेटा कि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव होते तो कहानी कैसी होती, अगर दोनों ही चार्ज बेटा अगर पॉजिटिव होते देन स्टोरी वुड हैव बीन लाइक दिस, कि बेटा अगर ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस बेटा, यहां कहीं मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज और बेटा यहां कहीं मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज। ऑफ कोर्स अगर दोनों प्लस क्यू चार्ज है तो दोनों में से ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, है कि नहीं बेटा? और अगर दोनों में से अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी तो जाएंगी कहाँ? कोई नेगेटिव चार्ज पे, नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, थोड़ा कहाँ जाएंगी? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे जानी तय है। तो सुनिए बेटा, इनके कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी बेटा इस तरह से होंगी। पहली बात, थोड़ा बीचों बीच वाले पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, थोड़ा वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पहुँचने नहीं चाहिए। दोनों की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी लाइक दिस, बेटा टच नहीं करेगी, बड़ा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है मैंने जानबूझ के यूँ बनाया है। मैं कारण बता देता हूँ, इस पूरे इक्वेटोरियल पॉइंट पर इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाले कंपोनेंट कैंसिल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऊपर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगी। तो कर्व ऐसे बनाओ कि उसका टेंजेंट बड़ा कैसे हो, वर्टिकल डायरेक्शन में हो। आपके पास बड़ा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी बड़ा समथिंग लाइक दिस, सिमेट्रिकली बेटा आप इस तरफ भी बना सकते हैं। यहां पर बेटा आप जानते हो दोनों के कारण ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, बेटा दोनों के कारण ही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स। तो बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विल बी लाइक दिस, बेटा ऐसे ऐसे आपके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हो। फेयर इनफ, ये बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। चलिए बेटा आगे चलते हैं।